ओवैसी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को कहा शैतान। एआईएमआईएम चीफ बोले, पीएम मोदी को देना चाहिए फिलिस्तीनियों का साथ। बेंगलुरु में पूर्व पार्षद के फ्लैट से मिले 42 करोड़ रुपए, 23 डिब्बों में किया गया था पैक, आईटी की रेट में खुलासा। महिला अधिकार सम्मेलन में प्रियंका गांधी वाड्रा का संबोधन, बोली अपनी नीति का निर्माण स्वयं करें। युद्धभूमि इसराइल से तमिल के 8 नागरिकों की हुई घर वापसी, मदुरई एयरपोर्ट पर जिला कलेक्टर ने किया स्वागत। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने रामेश्वर मैराथन को दिखाई हरी झंडी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को किया याद। भारत के आंतरिक मुद्दों पर ना करे चर्चा, मणिपुर मामले को लेकर ईयू के उपाध्यक्ष को ओम बिरला ने सुनाई खरी होती। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लामबंद कर्मचारी संगठन, दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 नवंबर को प्रदर्शन का ऐलान। 23 अक्टूबर से शुरू होगा मतदाता बनाने का विशेष अभियान, 18-19 वर्ष के युवाओं पर रहेगा खास फोकस। अयोध्या वाराणसी व नैमिषारण्य में जल्द मिलेगी हेलीपोर्ट की सुविधा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। लगातार तेज हो रहा इसराइल हमास संघर्ष, युद्ध में अब तक 2300 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।